व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल है। मेरा नाम है रजा खान, आप देख रहे हैं टेक बॉक्स। तो दोस्तों, मई का मंथ शुरू हो गया है और आज है 2 मई। तो दोस्तों, 2 मई को आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि इसमें दोस्तों कौन सा नया थीम आया है जो दोस्तों मई के महीने में आप अपने फ़ोन में रख सकते हैं रेडमी नोट 10 प्रो में, जिसमें दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त लगेगा। और सिर्फ रेडमी नोट 10 प्रो ही नहीं, बाकी दूसरे भी शॉमी के डिवाइस पर आप दोस्तों रख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहें, नया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक कर दीजिए। दोस्तों, लाइक बहुत ही कम आ रहा है। तो चलिए, सबसे पहले दोस्तों मैं सुपर लाइव वॉलपेपर यूज़ करता हूँ, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम का वहाँ पर आइए, आपको मिल जाएगा। लेकिन बात करते हैं थीम की। तो थीम जो है दोस्तों इस बार बहुत ही कमाल का, और एक दोस्तों एकदम अनएक्सपेक्टेड आपको थीम देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले ये है समर ओशन OS। अब दोस्तों समर चल रहा है तो इस वजह से शुरुआत यहीं से करते हैं। तो इस थीम में आपको देखने को क्या मिलता है, तो जितने भी थीम मैं बता रहा हूँ दोस्तों सब आपको इजीली मिल जाएगा, कोई भी MTZ वगैरह नहीं है। तो ये थीम को दोस्तों हम लोड होने देते हैं यहाँ पर और दिखाते हैं इस थीम में क्या है। सबसे पहले इसका लुक जो है दोस्तों, इसमें आपको ओशियन का जैसा लुक देखने को मिलेगा और बहुत ही मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन मिलेगा यहाँ पर। दोस्तों ऊपर से नीचे आएंगे तो इस तरह का कुछ देखने को मिलेगा। सेटिंग में चलते हैं, तो सेटिंग में दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं दिख रही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर हम लॉक स्क्रीन में जाएंगे तो लॉक स्क्रीन इसका सबसे ज़बरदस्त दिखता है, जो हल्की हल्की दोस्तों बारिश एनिमेशन हल्की हल्की नज़र आती है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एनिमेशन नज़र आ रहा है। तो इस तरह का दोस्तों थीम के साथ ये आता है। तो ये थीम को भी दोस्तों आप रख सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त है। 27 MB का थीम है दोस्तों। बात करते हैं दूसरा थीम, नथिंग OS। आप लोग दोस्तों नथिंग का नाम सुने होंगे, तो अभी फ़ोन आने वाला है इसका, लेकिन इसका OS पहले ही रिलीज़ कर दिया गया है। बात करते हैं इसमें क्या देखने को मिलता है। तो सबसे पहले ये 6 MB का थीम है, बहुत ही लाइट वेट थीम है। लेकिन ये थीम जो है दोस्तों फ़ोन को पूरा का पूरा आपको ब्लैक मोड में लेके चल जाएगा, जो आप देख सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसका आप देख लीजिए, इंटरफेस वगैरह कुछ इस तरह का है जो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। दोस्तों बात करते हैं कि यहाँ पर सेटिंग के बारे में बात करें तो सेटिंग ट्रांसपेरेंट हुआ कि नहीं, तो सेटिंग उसी तरह का है। सीधा सीधी चलेंगे लॉक में, लॉक स्क्रीन में आपको क्या मिलेगा, तो लॉक स्क्रीन में आपको ये मिलेगा दोस्तों देखने में, जो देख सकते हैं ये हल्का हल्का एनिमेशन होते रहेगा जो दोस्तों आपको दिख रहा। और ये एनिमेशन ऐसा ही नहीं दोस्तों, ये एनिमेशन है जो है कुछ इस तरह का रहेगा, लेकिन ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो यहाँ पर दिखा था वो दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त लगेगा। देख लीजिए हल्का हल्का हल्की हल्की आपको चलते रहेगी, जो दोस्तों ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले में काम कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे तो इस तरह से दोस्तों ये आ जाएगा, ठीक है। तो इस थीम को भी दोस्तों आप रख सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं अपने हिसाब से, आपको जैसा दिल चाहे। लेकिन ये थीम जो है नथिंग OS के साथ आता है। चलिए बात करते हैं दोस्तों ये थीम क्लासिक OS। अब दोस्तों क्लासिक OS में क्या देखने को मिलेगा, तो जितने भी थीम मैं बता रहा हूँ सब में हल्की फुल्की आपको एनिमेशन वगैरह देखने को मिलेगी। तो ये जो है दोस्तों क्लासिक OS थोड़ा क्लासिक लुक में आएगा। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा आपको वाइट दिखता होगा, लेकिन यहाँ पर कुछ टेक्स्चर वगैरह दी गई है। तो आइकन वगैरह तो आप देख सकते हैं इस तरह का है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों ट्रांसपेरेंसी बहुत ही ज़बरदस्त दिया गया है। जैसे दोस्तों देख लीजिए यहाँ पर जो सेटिंग वगैरह है या कुछ भी आप खोलेंगे तो आपको दोस्तों हल्की हल्की ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलेगी। तो सीधा सीधे आपको लॉक स्क्रीन में लेके चलते हैं, लॉक स्क्रीन में क्या मिलता है। तो लॉक स्क्रीन दोस्तों कुछ इस तरह का है, एनिमेशन वगैरह कलर करेगा। और दोस्तों देख सकते हैं हल्की हल्की बूंदें पड़ रही है, लेकिन फ़ोन जो है दोस्तों आपको ऐसा लगेगा कि पिक्सल डिवाइस वगैरह आप यूज़ कर रहे हैं। तो उस तरह से दोस्तों ये थीम मिलेगा आपको। अब बात करते हैं नेक्स्ट थीम की। ये थीम मुझे सबसे ज़बरदस्त लगा। ये थीम जो है दोस्तों 25 MB का थीम है, एज़्योर ग्लास। अब इस थीम में क्या है वो आपको दिखा देते हैं। तो दोस्तों ये थीम अप्लाई हो चुका है और आपको दिखाते हैं कि इस थीम में क्या देखने को मिलता है। तो सबसे पहले इसका लुक एंड डिज़ाइन देखिए दोस्तों, काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर लगेगा। और यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी आपको मिल रही कि नहीं, नोटिफिकेशन तो इस तरह का मिलेगा, लेकिन ट्रांसपेरेंसी के बारे में बात करेंगे तो नहीं, यहाँ पर पूरा का पूरा वाइट दिखेगा। लेकिन सबसे ज़बरदस्त मुझे लगा इसका लॉक स्क्रीन, जो आप देख सकते हैं फर्स्ट लुक में आपको कैसा लगेगा देख लीजिए, हल्का फुल्का एनिमेशन कर रहा ना। और ये एनिमेशन ऐसे ही नहीं है दोस्तों, अगर फ़ोन को मूव भी करेंगे तो ये दोस्तों मूव करता है और एनिमेशन होता है, देख लीजिए इस तरह से। तो यही चीज़ है दोस्तों, तो ये भी थीम आप अप्लाई कर सकते हैं और रख सकते हैं, काफ़ी ज़बरदस्त लगेगा। यहाँ पर आपको डेट एंड टाइम वगैरह दिया गया है, दिन तारीख वगैरह दिया गया, तो सब कुछ आप यहाँ पर देख सकते हैं और इसको रख सकते हैं। तो ये भी थीम दोस्तों मस्त है, आपके फ़ोन में ज़बरदस्त लगेगा। और बात करते हैं लास्ट थीम, तो लास्ट थीम जो है दोस्तों 5वां नंबर थीम, ये भी अज़ार OS के साथ आता है। इसमें दोस्तों क्या देखने को मिलता है, सबसे पहले दोस्तों इसका इंटरफेस,
7 MB का थीम है, बहुत ही लाइट वेट है, लेकिन दोस्तों इसका डिज़ाइन मुझे काफ़ी ज़बरदस्त लगा। अगर आपको एनिमेशन पसंद नहीं है तो ये एक लौता थीम है जो दोस्तों मई के महीने में आपको वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस देगा। सबसे पहले इसका वॉलपेपर देख लीजिए जो काफ़ी ज़बरदस्त लगेगा। यहाँ पर दोस्तों नोटिफिकेशन कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा और यहाँ पर जब आएंगे तो आपको दोस्तों इसके सारे जो है आइकॉन वगैरह आपको चेंज दिखेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर नोटिफिकेशन आपने देख लिया। लॉक स्क्रीन पे चलते हैं। लॉक स्क्रीन कुछ इस तरह का लगेगा और जो एनिमेशन करता है दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त लगता है, तो ये भी लग सकता है। और यहाँ पर दोस्तों नोटिफिकेशन वगैरह आएगा तो इस तरह से खुलेगा। तो यही दोस्तों 5 थीम हुए जो दोस्तों वन ऑफ द बेस्ट है अपने हिसाब से। आप इन 5ों में से कोई भी रख सकते हैं दोस्तों। मैं दोस्तों यूज़ करता हूँ सिंपली नॉर्मल दोस्तों क्लासिक थीम, और यहाँ पर लाइव वॉलपेपर, सुपर लाइव वॉलपेपर वो यूज़ करता हूँ जो दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस तरह का है। जो आप बहुत लोग पूछते हैं मुझसे कि आप कौन सा यूज़ करते हैं, तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर यूज़ करते हैं, देख लीजिए आप लोगों के आंखों के सामने। तो यही सारा चीज़ है दोस्तों जो मैंने बताया। होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, नया मेहमान है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपका कोई भी सवाल है दोस्तों तो कमेंट में ज़रूर करिए। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए